आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन बारिश ने खेल रोक रखा है और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर वही अटका पड़ा है, 236 पर 6 विकेट। एम्पायर द्वारा बात यह चल रही है कि खेल को लंच के बाद यानी दूसरे सेशन या तीसरे सेशन में शुरू कर दिया जाएगा। अब अगर देखा जाए तो भारत का यहां से जीतना मुश्किल है क्योंकि अभी डेढ़ दिन का खेल बाकी है और ऑस्ट्रेलिया के चार खिलाड़ी अभी भी शेष है। इसके बाद भी अभी भारत की बल्लेबाजी और ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी बाकी है, तो देखा जाए ऑस्ट्रेलिया तो इस मैच में जीत के आसपास नहीं थी, परंतु अब यह मैच ड्रॉ होता नजर आ रहा है। अब आपको बताना चाहेंगे कि तीसरा दिन का खेल खराब रोशनी और बारिश के कारण जल्दी रोक दिया गया था, लेकिन विराट कोहली और भारतीय टीम में कुछ खिलाड़ियों ने एम्पायरों से इस विषय पर बात की। तब एम्पायर ने यह निर्णय लिया कि चौथे दिन का खेल और पांचवें दिन का खेल सुबह 5 बजे से नहीं बल्कि सुबह 4:30 बजे से शुरू किया जाएगा, लेकिन आज के खेल में बारिश ने अपना प्रकोप डाल दिया है और यह मैच शुरू ही नहीं हो पाया। उम्मीद की जा रही है कि खेल लंच के बाद दूसरे सत्र या तीसरे सत्र में शुरू कर दिया जाएगा।